दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन अपने घर के बाहर टीवी में मेक जोक वांटेड की वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि गुल्ली बुली और सोन को मेक जोक वांटेड की वीडियो काफी पसंद है। सोन बोलता गुल्ली बुली मेक जोक वांटेड की वीडियो तो बहुत ज्यादा फनी होती है और हॉरर भी। गुल्ली बोलता हाँ सोन मेक जोक वांटेड की वीडियो तो काफी अच्छी होती है लेकिन इसकी वीडियो को ज्यादा ऑडियंस लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तभी अचानक से लाइन चला जाता है। सोन बोलता गुल्ली बुली जल्दी से इन्वर्टर चालू करो नहीं तो हम लोग मेक जोक वांटेड की वीडियो नहीं देख पाएंगे। बुल्ली बोलता घर के अंदर काफी अंधेरा है इसीलिए मैं अकेले इन्वर्टर चालू करने के लिए नहीं जाऊंगा। गुल्ली तुम भी मेरे साथ चलो। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली मुझे पता है कि तुम कितने बड़े फट्टू हो, चलो इन्वर्टर चालू करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली इन्वर्टर चालू करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस घर के मेन वायर को तो जेफ ने काट दिया है। लगता है कि जेफ के इरादे अच्छे नहीं है। और ये तो गुल्ली बुली के घर के तरफ ही जा रहा है। सोन बोलता है आखिरकार इतनी रात को यहाँ पर कौन हंस रहा है। और सोन जैसे ही अपना सर घुमाता है सामने जेफ द किलर खड़ा होता है। सोन जेफ को देखकर काफी डर जाता है। सोन बोलता आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि बाबा ने तुम्हारे पिछली बार कितनी तबीयत से सुटाई की थी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो एक बार फिर से गुल्ली बुली तुम्हारी तबीयत से सुटाई कर देंगे। मुझे बदला चाहिए। और फिर जेफ अपनी चाकू को निकालता है। सोन ये चाकू देखकर समझ चुका है कि अब जेफ इसे मारने वाला है। तभी सोन कुर्सी पर से उठता है और घर के अंदर भागने की कोशिश करता है। तभी जेफ सोन पर छलांग लगा देता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। और जेफ की इतनी जोरदार हमले से सोन की आंखें बंद हो चुकी है। और जेफ सोन को मारने के बाद उसे कंधों पर उठा के वहां से लेकर जाने लगता है। तभी गुल्ली बुल्ली बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है लगता है कि किसी ने हमारे घर के मेन वायर को काट दिया है। तभी बुल्ली की नजर जेफ के ऊपर जाती है। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली जेफ हमारे घर के सामने से गुजर रहा है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली लेकिन बाबा ने तो जेफ को पिछली वीडियो में मार दिया था तो जेफ यहाँ पर आखिरकार जिंदा कैसे है। बुल्ली बोलता वो सब छोड़ो गुल्ली पहले तो ये सोचो कि जेफ तो हमसे बदला लेना चाहता होगा तो आखिरकार वो हमसे बिना बदला लिए क्यों जा रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली हमारा सोन कहीं नहीं दिख रहा। बुल्ली बोलता कहीं जेफ द किलर ने हमारे सोन को तो यहाँ से उठाकर नहीं लेकर चला गया। गुल्ली बोलता और मुझे तो लगता है कि हमारे घर के मेन वायर को जेफ ने ही काटा है। बुल्ली बोलता गुल्ली इससे पहले कि जेफ द किलर सोन को यहाँ से लेकर चला जाए हमें उसका पीछा कर सोन को बचाना होगा। गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए अपने घर से दौड़कर रोड पर आते हैं और जेफ की तरफ भागने लगते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो बुल्ली जेफ द किलर सोन को यहाँ से लेकर जा रहा है इससे पहले कि वो गाड़ी से सोन को लेकर यहाँ से चला जाए हमें उसे पकड़ना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जेफ की गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देते हैं लेकिन जेफ गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से सोन को लेकर चला जाता है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से स्कूटर लेकर आओ हमें जेफ का पीछा करना होगा। और फिर गुल्ली घर के अंदर स्कूटर लाने के लिए चला जाता है। गुल्ली बोलता है जल्दी बैठो गुल्ली जेफ का भी आगे निकल चुका है। और फिर गुल्ली जल्दी से स्कूटर में बैठता है और जेफ का पीछा करने लगता है। बुल्ली बोलता है लगता है कि जेफ द किलर काफी आगे निकल चुका है। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली जेफ ज्यादा आगे नहीं गया होगा अगर तुम स्कूटर थोड़ा और तेज चलाओगे तो हम लोग आसानी से जेफ का पीछा कर सकते हैं। और फिर बुल्ली स्कूटर को थोड़ा और तेज कर देता है। और इधर जेफ सोन को लेकर अपने ठिकाने पर आ चुका है। सोन को जेफ घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर जाता है। जेफ सोन को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। और अब जेफ बुल्ली को अपना शिकार बनाने वाला है। जेफ का घर तो सुनसान कब्रिस्तानों के बीच में है और इतने सुनसान जगह पर कोई भी आदमी आता जाता नहीं है। जेफ घर के बाहर आता है और अपनी गाड़ी को देखने लगता है। लगता है कि जेफ को कहीं और जाने का इरादा है। जेफ जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर जेफ कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी आ चुके हैं। बुल्ली बोलता देखो गुल्ली जेफ की गाड़ी यहीं पर लगी हुई है। गुल्ली बोलता बुल्ली पहले तो तुम स्कूटर को झाड़ी में छिपा दो क्योंकि अगर जेफ को पता चल गया कि हम लोग सोन को यहाँ पर बचाने आए हैं तो फिर वो हम लोग का हाल भी सोन के जैसा ही करेगा। और फिर बुल्ली स्कूटर को झाड़ी में लगा देता है।
बुल्ली बोलता है अब जीप हमारे स्कूटर को नहीं देख पाएगा। गुल्ली बोलता लेकिन बुल्ली हमें अब सतर्क रहना होगा क्योंकि जीप हमसे बदला चाहता है और जीप तो मुझे काफी गुस्से में भी लग रहा है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें जीप से लड़ना नहीं है, हमें बस सोन को यहाँ पर किसी तरीके से बचा कर यहाँ से भागना है। गुल्ली बोलता तो चलो पहले तो हमें जीप की गाड़ी की तलाशी लेनी होगी, कहीं सोन इस गाड़ी के अंदर ही तो नहीं। और फिर गुल्ली बुल्ली जीप की गाड़ी की तरफ बढ़कर गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली सोन तो इसके अंदर है ही नहीं, लगता है कि सोन को यहाँ से जीप लेकर चला गया है। गुल्ली काफी परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली बोलता वो देखो बुल्ली वहाँ पर एक घर है, मुझे लगता है कि जीप के किलर ने सोन को उसी घर में छिपाया हुआ है, हमें उस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चले जाते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली इस घर में तो ताला लगा हुआ है, आखिरकार हम लोग इस ताले को तोड़ेंगे कैसे। गुल्ली बोलता है हमें ये ताला तोड़ देना चाहिए। बुल्ली बोलता है नहीं गुल्ली ये घर किसी और का भी हो सकता है और हम किसी और के घर के ताले को नहीं तोड़ सकते, नहीं तो इस घर का मालिक हमें बहुत मारेगा। गुल्ली बोलता लेकिन बुल्ली हमें सोन का पता लगाने के लिए इस घर के ताले को तोड़ना ही होगा। बुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली अब जो होगा देखा जाएगा, तुम इस ताले को तोड़ दो। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उस घर के ताले को तोड़ने लगता है, लेकिन ताले तोड़ने की आवाज जीप ने सुन ली है और वो हंसते हंसते इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता गुल्ली ये तो जीप की हंसने की आवाज है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना अगर जीप ने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते हैं और इधर जीप भी आ चुका है। जीप ताले को टूटा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है और वो जरूर यहीं कहीं पर छिपा हुआ है। तभी जिस झाड़ी में गुल्ली बुल्ली छिपे हुए रहते हैं उस झाड़ी की तरफ जीप की नजर पड़ती है और उस झाड़ी को देखकर जीप अपनी चाकू को निकाल लेता है। लगता है कि जीप को शक हो चुका है और वो झाड़ियों की तरफ ही बढ़ने लगता है। अरे गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए। जीप को जब झाड़ियों में कोई नहीं मिलता तो वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली तो झाड़ियों से निकलकर इस पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। गुल्ली बोलता है बार बार बचे बुल्ली नहीं तो ये जीप हमें मारी डालता। और इधर जीप सोन को अपने कंधे पर लादकर कहीं लेकर जा रहा है और ये देखकर तो गुल्ली बुल्ली और भी परेशान हो जाते हैं। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली सोन उसी घर के अंदर था और जीप द किलर उसे कहीं लेकर जा भी रहा है। गुल्ली बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बुल्ली कि आखिरकार मैं सोन को कैसे बचाऊं। बुल्ली बोलता है सोन को कैसे बचाना है ये सब हम बाद में सोचेंगे, अभी के लिए तो हमें जीप द किलर का पीछा करना होगा नहीं तो जीप द किलर हमारे हाथों से निकल जाएगा। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो हम लोग को जीप का पीछा करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली जीप द किलर का पीछा करने लगते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली आखिरकार जीप द किलर सोन को कहाँ लेकर जा रहा होगा। गुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि जीप द किलर को पता चल गया है कि हम लोगों ने उसका घर का पता लगा लिया है, इसीलिए वो सोन को दूसरे ठिकाने पर लेकर जा रहा होगा। तभी चलते चलते जीप द किलर वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जीप द किलर इधर उधर देखता है और वो पीछे भी देखता है कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा और फिर वो सोन को लेकर आगे बढ़ जाता है और एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली भी जीप द किलर का पीछा करने लगते हैं। अरे आगे तो एक बहुत बड़ा नदी है, कहीं जीप द किलर सोन को इस नदी में तो नहीं फेंकने वाला। बुल्ली बोलता गुल्ली देखो सोन को जीप द किलर नदी में फेंकने वाला है, इससे पहले कि देर ना हो जाए हमें सोन को बचा लेना चाहिए। गुल्ली बोलता हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए बुल्ली, मुझे लगता है कि जीप द किलर का कोई और इरादा है। तभी जीप सोन को नाव पर लेकर जाता है और नदी की ओर बढ़ जाता है। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली जीप सोन को नदी के उस पार लेकर जा रहा है। गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली वहाँ पर एक और नाव है, हम लोग उस नाव से जीप का पीछा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी गुल्ली कुछ नहीं बोलता। बुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। गुल्ली बोलता है इस नदी के उस पार एक सुनसान आइलैंड है और जो कोई भी उस आइलैंड पर गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया है। बुल्ली बोलता है ये कैसे तुम बोल सकते हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है मेरी माँ बोलती थी उस आइलैंड पर एक चुड़ैल रहती है लेकिन मेरे पापा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए मेरे पापा
उस आइलैंड पर मम्मी को लेकर गए थे कि वहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती। और फिर वो दोनों उस दिन के बाद से कभी भी मेरे मम्मी पापा उस आइलैंड से वापस नहीं आए हैं। बुल्ली गुल्ली की बात सुनकर शांत हो जाता है। बुल्ली बोलता है, तो हम लोग क्या करें गुल्ली, क्या हम लोग सॉन को इसी तरह मरते हुए छोड़ दें? गुल्ली बोलता है, सॉन को भूल जाओ बुल्ली, यही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं एक साथ दो दोस्तों को नहीं खोना चाहता, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली गुल्ली के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो बुल्ली, हम लोग किसी भी कीमत पर सॉन को बचाकर ही रहेंगे और तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए उसका भी पता लगाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली नाव को और तेज चलाओ इससे पहले कि जेब सॉन को कुछ कर दे, हमें वहाँ पर पहुँचकर सॉन को बचाना होगा। गुल्ली बोलता है, तुम चिंता मत करो बुल्ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए सॉन को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी ही देर में उस आइलैंड पर पहुँचने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये आयरन तो बहुत ही ज्यादा वीराना है। गुल्ली बोलता है, ये जितना तुम्हें वीराना दिख रहा है उससे ज्यादा ये खतरनाक भी है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर किस किस तरह के जानवर और चुड़ैल होंगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली थोड़ा शांत हो जाता है। गुल्ली बोलता है, यहाँ पर थोड़ा भी शोर मत मचाना, हमें बस आगे बढ़कर सॉन को बचाना होगा। और इतना बोलकर गुल्ली आगे बढ़ जाता है और बुल्ली भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक से गुल्ली पलटता है और वो बुल्ली को बोलता है, गुल्ली जल्दी से झाड़ी में छिप जाओ। गुल्ली बुल्ली दौड़कर झाड़ी में छिप जाते हैं। बुल्ली बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, हम लोग यहाँ पर झाड़ियों में क्यों छुपे हुए हैं? गुल्ली बोलता है, शांत हो जाओ बुल्ली, वो देखो। तभी बुल्ली झाड़ी के उस पार देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल गुजर रही है और ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। बुल्ली उस चुड़ैल को देखने के बाद तो कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल वहाँ से चल जाती है। गुल्ली बोलता है, देखा बुल्ली, मैंने कहा था ना इस आइलैंड पर एक भयानक चुड़ैल है, और अगर वो चुड़ैल हमें यहाँ पर देख लेती तो यहीं पर वो हमें कच्चा चबा जाती। बुल्ली बोलता है, उस चुड़ैल का तुमने चेहरा देखा था गुल्ली, कितना भयानक लग रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी जंगल में भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, इस जंगल में भेड़िया भी है, हमें और भी सतर्क रहना चाहिए। बुल्ली बोलता है, तुम तो जानते ही हो गुल्ली, मुझे भेड़िया से कितना ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता है, तुम भेड़िया की चिंता मत करो बुल्ली, अगर भेड़िया मेरे सामने आ गया तो मैं भेड़िया से अकेले ही भिड़ जाऊंगा, लेकिन अभी तो हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें सॉन को जल्दी जल्दी खोजना है, वरना जेब सॉन के साथ कुछ भी कर सकता है। और फिर गुल्ली बुल्ली जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी चलते चलते बुल्ली वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, अब तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? बुल्ली हाथ से आगे इशारा करता है, वो देखो वहाँ पर दो कंकाल पड़े हुए हैं। बुल्ली उस कंकाल के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता है, लगता है कि उस चुड़ैल ने इन दोनों लोगों को भी मार दिया है, बेचारे ये दोनों तो यहाँ पर घूमने आए हुए होंगे, इन लोगों को क्या पता कि इस आइलैंड पर एक खूंखार चुड़ैल घूम रही है। तभी गुल्ली उस कंकाल के पास जाता है और रोने लगता है। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, तुम रो क्यों रहे हो? गुल्ली बोलता है, ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे माँ बाप का ही हड्डियाँ हैं। बुल्ली बोलता है, ये कैसे बोल सकते हो गुल्ली कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं? गुल्ली बोलता है, ये देखो इन लोगों के गले में एक लॉकेट है और ये लॉकेट मेरे माँ बाप की ही है, उन्होंने अपने एनिवर्सरी पे एक दूसरे को ये लॉकेट दिया था। और इतना बोलकर गुल्ली फिर से रोने लगता है। बुल्ली बोलता है, चुप हो जाओ गुल्ली, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तभी गुल्ली रोते रोते अपना चेहरा उठाता है और गुल्ली तो काफी गुस्से में लग रहा है। बुल्ली गुल्ली के ऐसे भयानक चेहरे को देखकर डर जाता है। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? गुल्ली बोलता, मुझे बदला चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप के मौत का बदला चाहिए। बुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो गुल्ली, हम लोग उस भयानक चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली, अब मुझे बदला चाहिए। तभी जंगलों के अंदर से भयानक आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता, गुल्ली ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है, हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली जिधर से आवाज आ रही होती है उधर ही चले जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने क्या देख लिया जिससे इन लोगों की मुंह फटी की फटी है? अरे ये क्या, इधर तो जेब सॉन को बलि देने की तैयारी कर रहा है। गुल्ली बुल्ली को ये देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को कुछ भी कर सॉन को भी तुरंत बचाना होगा, नहीं तो ये जेब द किलर यहीं पर सॉन के टुकड़े कर देगा। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार हम लोग सॉन को बचाएंगे कैसे, अगर हम लोग जल्दी ही कुछ नहीं करेंगे तो ये जेब द किलर सॉन को मार देगा। गुल्ली बोलता, बुल्ली अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि इस आइलैंड पर एक चुड़ैल भी घूम रही है जो कि काफी खतरनाक है, और तुम्हें तो ये भी पता है कि उसने मेरे माँ बाप को भी मारा है। बुल्ली बोलता, लेकिन गुल्ली हम लोग सॉन को इसी तरह मरते हुए नहीं देख सकते, हमें जाकर जेब का सामना करना चाहिए। गुल्ली बोलता, हम लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे बुल्ली। बुल्ली बोलता, तुम कुछ भी कहो गुल्ली, लेकिन आज मैं जेब द किलर को छोड़ने वाला नहीं हूँ।
बुल्ली बोलता है, पागल मत बनो बुल्ली, अगर जिप द किलर या उस चुड़ैल को पता चल गया कि हम लोग इस आइलैंड पर आए हुए हैं तो वो हमारी बोटियां नोच लेंगे। बुल्ली बोलता है, अगर तुम्हें सोन की मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं अकेले ही जिप द किलर पर भारी पड़ जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, बुल्ली तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि हमें या तुम्हें जान गंवानी पड़े। लेकिन बुल्ली तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी गुल्ली बुल्ली के सामने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बुल्ली मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और फिर गुल्ली जिप द किलर के सामने चला जाता है और इधर गुल्ली झाड़ियों में से छिपकर ही सारा नजारा देख रहा होता है। जिप सोन का सर काटने जा ही रहा होता है तभी बुल्ली वहाँ पर आवाज लगाता है और बोलता है, जिप रुक जाओ, तुम मेरे होते हुए सोन को छू भी नहीं सकते। जिप बुल्ली को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। बुल्ली बोलता है, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, उसके बाद मैं तुम्हें हंसने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिप बुल्ली से बोलता है, तुम यहाँ बारात हो गए हो लेकिन यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाने वाले। बुल्ली बोलता है, ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ से कौन वापस जिंदा जाने वाला है, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने खतरनाक आदमी है और तुम बाबा को कैसे भूल सकते हो, उसने तो तुम्हें पिछली बार गिरा गिरा कर मारा था। जिप बोलता है, मैं उस बुड्ढे को कैसे भूल सकता हूँ, उसने मुझे बहुत मारा था और मैं तुम्हें मारने के बाद उस बुड्ढे को ही मारने वाला हूँ। बुल्ली बोलता है, पहले तो तुम मुझसे बचकर दिखाओ। और इधर गुल्ली बोलता है, लगता है कि बुल्ली पागल हो गया है क्योंकि जिप द किलर ने अभी तक बहुत लोगों को मारा है तो ये बुल्ली किस खेत की मूली है, जिप तो इसे एक बार में ही खीरे ककड़ी की तरह काट देगा। जिप बुल्ली को बोलता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और बुल्ली भी जिप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये क्या, दोनों में तो मारपीट चालू हो चुकी है। ये किया, बुल्ली ने तो जिप के अखरोटों पर ही हमला कर दिया है। बुल्ली को लग रहा है कि अब वो ये लड़ाई जीत चुका है और वो खुश भी है। और इधर गुल्ली भी बुल्ली की बहादुरी को देखकर काफी खुश है। लेकिन ये गुल्ली बुल्ली की बहुत बड़ी भूल है। तभी जंगलों के अंदर से बहुत ही भयानक भयानक आवाज आने लगती है। और फिर जिप भी उठकर खड़ा हो जाता है और जिप उठने के बाद हंसने लगता है। बुल्ली बोलता है, क्या हुआ जिप, लगता है तुम इतनी पिटाई के बाद भी मन नहीं भरा। जिप बोलता है, तुम मुझसे जीत सकते हो लेकिन उससे नहीं। बुल्ली बोलता है, किससे? जिप बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा, जरा अपने पीछे तो देखो। बुल्ली जैसे ही देखता है वो चुड़ैल बुल्ली की तरफ ही आ रही होती है। बुल्ली और गुल्ली उस चुड़ैल को देख के काफी डर जाते हैं और डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चुड़ैल देखने में ही बहुत भयानक लग रही है। और वो चुड़ैल आते के साथ ही बुल्ली पर छलांग लगा देती है और वो अपने नोकीले दांतों से उसे चबाने की कोशिश करती है। ये नजारा देखने के बाद गुल्ली के मुंह से चीख निकल जाती है। और फिर जिप और उस चुड़ैल की नजर भी गुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली ये जैसे ही देखता है कि जिप द किलर और उस चुड़ैल की नजर गुल्ली पर पड़ चुकी है, वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। जिप बोलता है, आखिरकार ये कितने दूर भागेगा, जरा मैं भी तो देखूं, क्योंकि ये पूरा जंगल हमारा है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। गुल्ली भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। गुल्ली तो काफी डर के मारे कांप रहा है। गुल्ली बोलता है, मैंने बुल्ली को बोला था कि वो जिप के सामने ना जाए, अब उसके कारण मैं भी खतरे में आ चुका हूँ और पता नहीं वो लोग बुल्ली का क्या हाल किए होंगे। लेकिन लगता है कि गुल्ली पर किसी की नजर पड़ चुकी है। तभी गुल्ली के कंधे पर कोई हाथ रखता है। गुल्ली पलटता है, अरे ये क्या, ये तो रॉड है। गुल्ली रॉड को देखकर काफी खुश होता है। रॉड बोलता है, गुल्ली आखिरकार तुम इतनी सुनसान आइलैंड पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है। यहाँ पर एक खूंखार चुड़ैल घूम रही है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी बोटियां तक नोच लेगी, तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाओ। गुल्ली रोने लगता है। रॉड बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो और बुल्ली और सोन कहाँ है? गुल्ली बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया रॉड, क्योंकि जिप द किलर और इस आइलैंड की चुड़ैल ने बुल्ली और सोन को पकड़ लिया है और वो दोनों मेरा भी शिकार करने वाले थे लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ। लेकिन रॉड, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रॉड बोलता है, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने तुम लोगों को नाव से इस आइलैंड पर आते हुए देखा
मुझे लगा कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि आइलैंड कितना खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताने के लिए तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। गुल्ली बोलता, लेकिन तुमने आने में काफी देर कर दी रॉड, क्योंकि बुल्ली और सोन तो जेफ और उस चुड़ैल के कब्जे में है और वो लोग तो मुझे भी खोज रहे होंगे। रॉड, मैं तो बोलता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे कारण तुम भी मारे जाओगे। रॉड बोलता, नहीं गुल्ली बुली, तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं तुम लोगों को इसी तरह मुसीबत में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, और अब मैं किसी भी कीमत पर बुल्ली और सोन को बचाकर ही रहूंगा। गुल्ली बोलता है, तो अब करना क्या है रॉड? रॉड बोलता है, मैं तो बोलता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और बाबा को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं बुल्ली और सोन का पता लगाता हूँ कि आखिरकार ये दोनों कहाँ है। गुल्ली बोलता, ठीक है रॉड, अपना ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूँ और बाबा को बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर गुल्ली बाबा को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन गुल्ली की किस्मत तो काफी खराब है, वो चुड़ैल तो गुल्ली के सामने ही खड़ी है। तभी वो चुड़ैल गुल्ली पर डंडे से हमला करती है, जिससे कि गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। और फिर जेफ वहां पर आता है और गुल्ली पर चाकू से हमला करने लगता है। रॉड जेफ का ऐसा भयानक रूप देखकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। रॉड बोलता है, ये क्या, जेफ ने तो गुल्ली को भी मार दिया, अब मैं अकेले इन तीनों को कैसे बचाऊंगा। जेफ गुल्ली को मारकर तो काफी खुश है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। चुड़ैल बोलती है, अब इसे अपने अड्डे पर लेकर चलो, क्योंकि बलि देने का काम हम लोग वहीं पर करेंगे। जेफ बोलता, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज हम लोग इन तीनों की बलि देकर अमर हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग को वो बाबा भी नहीं हरा सकता। चुड़ैल बोलती, हाँ उस बुड्ढे ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया है। जेब बोलता है, उस बुड्ढे को जितना परेशान करना था उसने कर लिया, अब हमारी बारी। चुड़ैल बोलती, तो ठीक है जल्दी से भी इसे उठाकर अपने अड्डे पर लेकर चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बुड्ढा जरूरी से बचाने आएगा। जेब बोलता, अगर वो बुड्ढा यहाँ पर आ गया तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और फिर जेब गुल्ली का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगलों में लेकर चला जाता है। रॉड बोलता है, गुल्ली को तो जीप धकेले जंगलों में लेकर चला गया है और ये लोग तो आज गुल्ली बुली और सोन की बलि देने की प्लान कर रहे हैं, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे यहाँ पर बाबा को लेकर आना होगा। और फिर रॉड बाबा को बुलाने के लिए चला जाता है। और इधर जेब द किलर गुल्ली को अपने अड्डे पर लेकर आ चुका है। वो चुड़ैल बोलती है, जेब अब जल्दी से इन तीनों की बलि दे दो, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता, जला इन तीनों को तो देखो, ये तीनों कितना लजीज लग रहे हैं। और फिर वो चुड़ैल सोन के पास जाकर बैठ जाती है और सोन को देखकर बोलती है, इसका मांस तो बहुत ही नर्म होगा और खाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन जेब के इरादे तो अच्छे नहीं लग रहे। जेब अपना चाकू निकालता है और उस चुड़ैल के पीछे चला जाता है। जेब बोलता है, इन तीनों को मारकर शक्तिशाली हम दोनों नहीं बल्कि सिर्फ मैं बनूंगा। और इधर रॉड बाबा के पास बस पहुंचने ही वाला है। अरे ये किया, बाबा तो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रॉड बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा गजब हो गया। बाबा बोलते है, क्या हुआ रॉड, और तुम आखिरकार इतने हाँफ क्यों रहे हो, कहीं तुम्हारे पीछे कुत्ते तो नहीं पड़े हुए। रॉड बोलता, नहीं बाबा ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस आपकी मदद की जरूरत है। बाबा बोलते है, अभी मैं किसी की भी मदद नहीं करता, क्योंकि अभी मैं शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये बंदूक की गोली तुम्हारे खोपड़ी में होगी। रॉड बोलता, बाबा पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, गुल्ली बुली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और अगर आपने उन लोगों की मदद नहीं की तो वो तीनों अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। बाबा अपनी बंदूक नीचे करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ रॉड, अब आराम से बताओ। रॉड बोलता है, गुल्ली बुली और सोन एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और वहाँ पर जीप द किलर एक चुड़ैल उन तीनों की बलि देने वाले हैं। बाबा बोलते हैं, मेरे रहते हुए उन तीनों को कोई छू भी नहीं सकता और बलि तो बहुत दूर की बात है, लगता है कि उन लोगों को पता नहीं कि वो तीनों किसके आदमी है, वो लोग तो मेरा नाम सुनकर ही भाग जाएंगे। रॉड बोलता है, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, जेब द किलर बोल रहा था कि वो इन तीनों की बलि देने के बाद वो आपको मारेगा। बाबा रॉड की बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अब वो दोनों मेरे हाथों से बचने वाले नहीं है। रॉड बोलता है, कब से मैं तुम्हारी बोल बचन सुन रहा हूँ, जल्दी से उन तीनों की मदद करो, टाइम बहुत कम है। बाबा बोलते, तो ठीक है वो कौन सा आइलैंड है जहाँ पर वो गुल्ली बुली और सोन की बलि देने वाला है, जल्दी से मुझे लेकर चलो, यहीं पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, चलो इस गाड़ी से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर बाबा और रॉड गाड़ी पर बैठते हैं और वहां से गुल्ली बुली और सोन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर जेब द किलर उस चुड़ैल को कहीं घसीट कर लेकर जा रहा है, लगता है कि जेब इस चुड़ैल को कहीं ठिकाने लगाने वाला है। जेब तो उस चुड़ैल को एक पुराने कब्र के पास लेकर आ चुका है।
जेब बोलता है तुम्हारे जैसे चुड़ैल की जगह इस दुनिया में नहीं बल्कि इस कब्र के अंदर है। और फिर जेब उस चुड़ैल को लात मार कर उस कब्र के अंदर डाल देता है और उस कब्र के अंदर झांक कर देखने लगता है। और जेब बोलता है माफ करना मुझे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी किया हूँ क्योंकि मुझे उन तीनों का बलि देकर अकेले ही सारी शक्तियों को लेना है। और इतना बोलकर जेब उस कब्र के ढक्कन को लगा देता है और वहां से चला जाता है। और इधर रॉड गाड़ी को काफी तेज चला रहा है। बाबा बोलते हैं गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ रॉड, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। रॉड बोलता है बाबा मुझे माफ करिएगा, अभी मैं गाड़ी धीरे नहीं चला सकता क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी गुल्ली बुली सोन को बचाने के लिए वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल और जेब द किलर दोनों मिलकर गुल्ली बुली सोन की बलि दे देंगे। लेकिन रॉड तुम मेरी बात मानो, इस सड़क पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाड़ी धीरे चलाओ। बाबा रॉड को समझा ही रहे होते हैं तभी अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा तालाब में जाकर गिरता है। लेकिन रॉड और बाबा तो बच चुके हैं क्योंकि गाड़ी तालाब में जाने से पहले ही वो दोनों बाहर गिर जाते हैं। एक्सीडेंट काफी भयानक हुआ है जिसके कारण बाबा का सर तो फट चुका है और बाबा के सर से बहुत सारा खून भी गिर रहा है और लगता है रॉड को भी काफी चोट लगी है। तभी रॉड उठता है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते बाबा के पास जाता है। रॉड बाबा को जाकर हिलाने लगता है और बोलता है बाबा उठिए, हमें गुल्ली बुली सोन को बचाना है, अगर आज आप नहीं उठे तो गुल्ली बुली सोन को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबा अभी भी नहीं उठ रहे हैं, लगता है कि बाबा भगवान को प्यारे हो चुके हैं। रॉड बोलता है अब मैं बाबा को कैसे उठाऊं, बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, बाबा को मैं इस नदी में ही फेंक देता हूं और जब बाबा का दम घुटेगा तो बाबा खुद ही उठ जाएंगे। और फिर रॉड बाबा को उठाता है और बाबा को नदी में फेंक देता है। लेकिन बाबा पानी में जाते ही अंदर डूब जाते हैं। लेकिन काफी देर हो चुका है, अभी तक बाबा अंदर से बाहर नहीं आए। रॉड बोलता है कहीं मैं बाबा का जीते जी अंतिम संस्कार तो नहीं कर दिया। रॉड और भी परेशान हो जाता है। रॉड तालाब के पास जाता है और आवाज लगाने लगता है बाबा बाहर आइए, हमें गुल्ली गुल्ली और सोन को बचाना है। अभी बाबा तालाब में से बाहर आ जाते हैं। रॉड बाबा को देखकर काफी खुश हो जाता है। बाबा तालाब से निकलते हैं और रॉड के पास जाते हैं। रॉड बोलता है बाबा जल्दी चलिए, हमें गुल्ली बुली और सोन को बचाना है। लेकिन बाबा तो काफी ज्यादा हाँप रहे हैं और हाँपे भी क्यों ना, क्योंकि बाबा की काफी उम्र हो चुकी है। बाबा बोलते हैं मैं तुम्हें कब से बोल रहा था गाड़ी धीरे चलाओ, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। रॉड बोलता तो क्या हुआ, तुम भले मर जाओ लेकिन गुल्ली बुली और सोन को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था गाड़ी आराम से चलाओ, लेकिन आज तुम्हारी गलती के कारण गुल्ली बुली सोन की जान खतरे में है। लेकिन रॉड तो कुछ भी नहीं बोलता। रॉड बाबा का एक थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल शांत है। बाबा बोलते हैं और गाड़ी भी इस तालाब के अंदर गिर चुका है, अब हम लोग इस गाड़ी को कैसे निकालें। रॉड बोलता है तो बुड्ढे तू अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कुछ जलवा दिखा, तब मैं जानूं कि तुम में कुछ बात है। तभी बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रॉड बोलता है तुम करने क्या वाले हो। तभी बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे कि रॉड हवा में तैरने लगता है। रॉड बोलता है ये क्या किया अभी बुड्ढे, तुमने तो मुझे ही रॉकेट बना दिया। बाबा बोलते हैं तुम मेरी शक्तियां देखना चाहते थे ना, ये देख लो। और फिर बाबा रॉड के ऊपर बैठ जाते हैं और उस आइलैंड की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। रॉड बोलता है वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बच के रहना बाबा, नहीं तो तुम्हारा वहीं पर गर्म हो जाएगा तावा। बाबा बोलते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, अभी तुम मेरी शक्तियां को अच्छे से नहीं जानते, तुम सबसे पहले तो उस आइलैंड पर चलो, उसके बाद तुम मेरी शक्तियां को जान जाओगे। और फिर वो दोनों थोड़ी ही देर में उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बाबा बोलते हैं रॉड यहाँ पर तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा, कहीं तुम गलती से किसी और आइलैंड पर तो लेकर नहीं आ गए। रॉड बोलता है नहीं बाबा ये वही आइलैंड है और यहीं पर जेब और वो चुड़ैल गुल्ली बुली सोन की बलि देने वाले हैं। बाबा बोलते हैं तो वो लोग कहाँ मिलेंगे। रॉड बोलता है आगे जेब का अड्डा है, हमें वहीं पर चलना होगा। और फिर रॉड और बाबा आगे बढ़ने लगते हैं। रॉड बोलता है बाबा जरा संभल कर, ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर आपको किधर से हमला होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको तुरंत भर में ढेर कर दिया जाएगा। बाबा बोलते मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद है और मैं ऐसे छोटे मोटे खतरों से खेलता रहता हूँ। रॉड बोलता है खतरों से खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें गुल्ली बुली सोन को सही सलामत बचाना है। तभी रॉड और बाबा चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा के सामने तो खूंखार भेड़िया है। रॉड बोलता है ये देखो बाबा आ गई एक मुसीबत,
अब तुम इस खूंखार भेड़िया से कैसे जीतोगे? बाप बोलते हैं अगर वो खूंखार भेड़िया है तो मैं भी जंगल का बब्बर शेर हूँ। तभी वो भेड़िया बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और बाबा भेड़िया को अपनी तरफ आता देख बाबा भी दौड़ लगा देते हैं और फिर दोनों हवा में छलांग लगाते हैं और ये किया बाबा तो उस भेड़िया पर एक जानलेवा पंजा मारते हैं जिससे कि वो भेड़िया वहीं पर गिरकर मर जाता है। बाबा बोलते कैसा लगा रॉड मेरा जलवा? रॉड बोलता वाह बाबा आप तो बिल्कुल सिंघम हो और आपने तो उसे एक बार में ही ढेर कर दिया। बाबा बोलते मैं ऐसे छोटे मोटे कमाल करता रहता हूँ। रॉड बोलता अपनी तारीफ बंद करो और चलो जल्दी से गुल्ली बुली सोन को खोजते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमें जल्दी से जल्दी गुल्ली बुली सोन को बचाना होगा। और फिर बाबा और रॉड आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से रॉड जमीन पर गिर जाता है। अरे इस पर तो किसी ने फायरिंग किया है। रॉड की ऐसी हालत को देखकर बाबा जल्दी जाते हैं और पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अरे ये हमला तो जेफ ने किया है। बाबा को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि फायरिंग आखिरकार की किसने। जेफ बोलता है कि आखिरकार ये बुढ़ा चला कहाँ गया? आज ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, इसे जल्दी से ढूंढ कर मारना होगा। जेफ ऊपर से छलांग लगाता है और नीचे आता है। जेफ बोलता कहाँ गए बे बुढ़े, मुझसे डर गए क्या? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और इधर बाबा पेड़ के पीछे से जेफ की सारी बातों को सुन रहे हैं। जेब बोलता है बड़ा तू तीनों चूजों के सामने हीरो बनता है, अब कहाँ गई तेरी हीरोपंती? पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था लेकिन इस बार तू नहीं हरा पाएगा, तेरी मौत तो मेरे ही हाथों है। बाबा बोलते हैं अगर मुझे गुल्ली बुली सोन और रॉड की जान बचानी है तो मुझे इसे तो सबक सिखाना ही होगा वरना ये मुझे उन लोगों को बचाने नहीं देगा। रुको अभी मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और भी बाबा वहाँ से चले जाते हैं, लगता है कि बाबा कुछ करने वाले हैं। जेब बोलता कहाँ छिप कर बैठा हुआ है, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तभी जेब के कंधे पर कोई हाथ रखता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। और फिर बाबा जेब को एक जोरदार घूंसा मारते हैं। बाबा बोलते हैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुझसे मिलने की इच्छा हो रही थी ना, लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखता हूँ अब तू क्या कर सकता है। जेब बोलता है मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना था कि तुम बहुत ही बड़े बहादुर हो लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े फटू निकले क्योंकि तुमने मुझ पर पीछे से हमला किया। बाबा बोलते तो ठीक है उठकर खड़े हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। और फिर बाबा और जेब में महायुद्ध चालू हो जाता है। और तभी वहाँ पर गुल्ली बुली और सोन भी आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है इस जेफ ने तो हम तीनों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और अगर बाबा नहीं आते तो ये हम लोग को बलि भी दे देता। बुल्ली बोलता है किसी भी कीमत पर जेफ हम लोग के हाथों से बचना नहीं चाहिए और वो चुड़ैल भी यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रही और अगर वो चुड़ैल यहाँ पर आ गई तो मैं उसे अपनी 2.5 किलो के हाथ से मारूंगा। सोन बोलता है ये सब छोड़ो देखो वहाँ पर रॉड गिरा हुआ है। सारे लोग रॉड के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है ये क्या, रॉड को तो गोली लगी हुई है। तभी रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता मैं ठीक हूँ बस थोड़ी सी सीने में जलन है। और तभी जेब बाबा को एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे कि बाबा सीधे गुल्ली बुली के पैरों के पास जाकर गिरता है। जेब बोलता है अब मैं तुम पांचों को एक साथ मारूंगा। तभी जंगल में अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस खूंखार चुड़ैल की है जिसे जेफ ने मार कर इस कब्र के अंदर डाल दिया था और अब ये चुड़ैल बाहर आ चुकी है। जेफ इधर उधर देख ही रहा होता है कि ये आवाज किधर से आ रही है। तभी वो चुड़ैल अचानक से जेफ पर छलांग लगाती है और वो जेफ को भेड़िए की तरह नोचने लगती है। जेफ तो अधमरा हो चुका है और फिर वो चुड़ैल जेफ का पैर पकड़ती है और उसे वहां से घसीट कर लेकर जाने लगती है लेकिन गुल्ली बुली सोन रॉड और बाबा तो बिल्कुल चुड़ैल के सामने खड़े हैं। तभी वो चुड़ैल बोलती है जल्दी वहां से हटो। सारे लोग साइड हो जाते हैं और फिर वो चुड़ैल जीप को वहां से घसीटते हुए लेकर जाती है।
जिस कब्र में जेफ ने उस चुड़ैल को मारकर दफनाया था उसी कब्र के अंदर वो चुड़ैल जेफ को फेंक देती है और खुद भी उसी में कूद जाती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा से कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।